अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। नबीला फूड डायरीज में आज नबीला आपको वेलकम करती है, और आज नबीला फूड डायरीज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राई पिज़्ज़ा। जी हाँ, फ्राई पिज़्ज़ा ये भी बहुत ईजी और झटपट रेसिपी है। इसमें भी बहुत कम अज़ा इस्तेमाल होंगे, मोस्टली ये तमाम चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। अब तो आइए हम अपने चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये आपको नज़र आ रहा है चिकन मेरीनेट मैंने करके रखा हुआ है पहले से ही। मैंने आपको अपना बनाना सिखाया था चिकन मिराज सैंडविचेस। तो मिराज सैंडविचेस में जिस तरह मैंने चिकन को मेरीनेट किया था, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको मेरीनेट करना है। तो मिराज सैंडविचेस को बनाने का मैं जो मैंने चिकन यूज़ किया है उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर लें। ठीक है, ये सेम उसमें सारी चीज़ें वही डली हुई, सिर्फ इसमें मैं एक मसाला और ऐड करूँगी। ये है चिकन टिक्का मसाला। ये चिकन टिक्का मसाला इसमें जो है सिर्फ एक टीस्पून इसमें जाएगा। ठीक हो गया। ये है मेरे पास ओरिगानो, ठीक है ना, ये मैंने हाफ टी स्पून ले लिया है। ये है पिज़्ज़ा सॉस, तकरीबन ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून लेनी है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ इसे स्प्रेड करना है स्लाइस के ऊपर। 2 eggs फ्राई करने के लिए। ये मेरे पास चीज़ स्लाइस है, अगर आपके पास पूरा वो है कद्दूकस कीवी है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड लिए हैं मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए, 4 slices ले लिए मैंने। और ये मेरे पास है कुछ ऑलिव्स गार्निश करने के लिए, और ये जूलियन कटिंग में मैंने यहाँ पे कैप्सिकम रखी है, और ये टोमेटो रखे हैं थोड़े से। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 1 teaspoon के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला। और इसमें मैंने अपना चिकन, जिसमें मैंने ये चिकन टिक्का मसाला जो है वो ऐड कर दिया है, ठीक है, और इसको मैंने इसमें पकने के लिए रख दिया। ठीक है, अभी जब पक के बिल्कुल खुश्क और ड्राई हो जाएगी इसकी बोटियाँ, तो ये हमारा जो है स्टफ रेडी हो जाएगा इसमें स्प्रेड करने के लिए। तो इसको हम पकाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है इसमें अब इसका वाइट कलर नहीं आया। जैसे ही इसका वाइट कलर हो जाएगा तो ये हमारा कुक चिकन जो है तकरीबन रेडी हो जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा चिकन बिल्कुल ड्राई हो गया है, रेडी हो गया है। चलिए अब इसको हम ठंडा करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे चिकन रेडी हो गई है बिल्कुल। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है, और अब हम बनाएंगे अपने पिज़्ज़ा को, प्रिपरेशन रेडी करेंगे। अब ये हमें चाहिए स्लाइस, ये मैंने स्लाइस ले लिया है। इसके ऊपर मैं लगाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस, स्प्रेड करेंगे। ये बहुत क्विक और ईजी रेसिपी है, आप लोग फटाफट अपने घर में बना सकते हैं। और ये वो रेसिपी है हर इवेंट पे आपको घर में काम आ सकती है, और इसको बच्चे बड़े आराम से बना लेंगे। सिर्फ आप चिकन वगैरह उनको फ्राई कर दें और फटाफट से बड़े शौक से बनाएंगे बल्कि। ठीक है, नीचे बेस जो है इसकी स्लाइस की, उस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है, और अब मैं लगाऊँगी उस पर चिकन। ठीक है ना, अब इसमें हमने रखा है चिकन स्टफ जो मैंने रेडी किया हुआ है, वो रखूँगी मैं इसके ऊपर। ये देखें, अच्छा चिकन जो है मैंने इस तरीके से रखना है, ये देखें रख लिया है मैंने सेंटर सेंटर में रखा है। इसकी वजह क्या है कि मैंने इस पर ये कटिंग करनी है ये इस तरीके से, तो मैंने तो आइडिया लगा लिया है इस चीज़ का कि हमने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। लेकिन मैं एक और आपको बना के दिखा दूँगी कटिंग करके। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हमें लगाना है ओरिगानो, हल्का सा स्प्रिंकल करना है इसकी खुशबू के लिए। और अगर आप चाहें, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस पर आप थोड़ा सा कैप्सिकम, ये इस तरह से टोमेटो, और ये ऑलिव्स अगर चाहें तो इस तरह रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं दूसरे स्लाइस उस पर भी जो है लगा के पिज़्ज़ा सॉस हल्की सी, और उसके बाद किया कवर कर दूँगी हल्के हाथ से प्रेस किया। ये हो गया, बस कटर है, आराम से मिल जाते हैं बाज़ार में कटर। इसको हमने राउंड शेप में कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, अरे आराम से इसमें चला गया। ये हमारे पास, ये देखिए, स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, ये हमने रख दिया इसको, एक हमारा रेडी हो गया। अब हम दूसरा रेडी करेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, ये आपके लिए जो न्यू कमर्स हैं वो इसको ज़रूर अप्लाई करें। ये कटर लें, पहले आप कटिंग कर लें। ठीक है, हमें ये स्लाइसेस मिल जाएंगे
राउंड शेप में, ये मिनी पिज़्ज़ा की शेप आ गई। ठीक है, मैंने इस पर चिकन लगा दिया और इन दोनों स्लाइसेस में पिज़्ज़ा जो है सॉस स्प्रेड कर दिया है। अब चिकन के ऊपर मैं लगाऊंगी हल्का सा ओरिगानो फ्लेवर के लिए, और ये जूलियन कटिंग में मैंने जो कैप्सिकम रखी हुई है एक ये रख दूंगी, और एक मैंने टोमेटो रख दिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें ये ऑलिव रख दिया। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने रख दिया चीज़। ये देखिए, ये जब इसमें मेल्ट होगा, जब इसको फ्राई करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके ऊपर दूसरा स्लाइस चला गया, ये हमारा दूसरा स्लाइस भी रेडी हो गया। अब हम एग बीट करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये एग बीट कर ली है, ये मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, इसमें डिप किया अच्छी तरीके से, चारों तरफ से बहुत ध्यान ध्यान से इस तरीके से आपने इसको डिप करना है। दो अंडे मैंने ले लिए थे, उनको बीट कर लिया, ऑयल मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक साइड पक गई है और ये मैंने दूसरा साइड चेंज कर दिया इसका। बस ये हमने इसको कलर दे दिया क्योंकि हमारा ऑयल गर्म था। बस अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगी और ठंडा होने पे इसकी टॉपिंग करूँगी। ठीक, अब मैं इसकी टॉपिंग करूँगी। ये देखें, बिल्कुल फ्राइड पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, ये हल्का सा गर्म है। इसकी टॉपिंग करने के बाद इसको हमने जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रखना है माइक्रोवेव में। अगर माइक्रोवेव आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप तवा हल्का सा गर्म करके या किसी नॉन स्टिक पैन में गर्म करके उसको 2 मिनट के रख के ऊपर से ढक दें। ठीक है, उसकी ये होगा स्टीम से ये मेल्ट हो जाएगी। ये दोनों मैंने पिज़्ज़ा जो है रेडी करके इसको मैंने हल्का सा बेक कर लूँगी मैं, बल्कि गर्म कर लूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये चीज़ उसकी मेल्ट हो जाए। और आप यकीन करें इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। और मैंने जो है इसमें डाला है टिक्का मसाला, तो समझें ये हमारा टिक्का मसाले फ्लेवर में जो है ये रेडी हुई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव्स, ये खूबसूरती के लिए भी है, वैसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ये देखें, इसमें मैंने ऑलिव डाल दिए हैं। बच्चों को अगर पसंद है तो आप बच्चों के लिए अपने कैप्सिकम वगैरह ये चीज़ इसमें डालें, डेकोरेट करें इसको। कलरफुल चीज़, कलरफुल हमेशा अट्रैक्ट करती है। ये बस मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। ये हमारे यहाँ पे जो है फ्राइड पिज़्ज़ा बन जो है फ्राइड पिज़्ज़ा बन रेडी है। ये मैंने जूलियन में कटिंग की थी इसकी, अगर आप चाहें तो कोई और भी शेप दे सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है। ये है अपने फ्राइड पिज़्ज़ा सिर्फ मेल्ट करने के लिए, ये मैं इसको यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट्स के लिए रखूँगी। ये देखें जनाब, बहुत गर्म हो रही प्लेट जी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है फ्राई पिज़्ज़ा विद टिक्का मसाला, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। आज नबीला फूड डायरीज में आपने एक और झटपट रेसिपी जो है वो सीख ली है, तो आप मेरी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें अपने अफ्तार टाइम पे, अपने पार्टी टिक टॉक पे, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे नबीला फूड डायरी चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक और न्यू रेसिपी और क्विक रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।